दोस्तों आज है 28वां दिन, आज हम कर रहे हैं शाम को शूटिंग। थोड़ा लेट हो गए शाम को और अंधेरा हो चुका है, लेकिन आज हमको हमारी रिपोर्टिंग करनी है कुछ प्लांट्स की और वो बहुत ज़रूरी है, तो आज हमने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि लुक में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे, लेकिन कोई नहीं, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि आज रिपोर्टिंग हमें करनी ही है। बहुत दिन से हम उनको टाल रहे हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ कि कितने बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं। ये देखो इसके अंदर कितना बड़ा ये पेड़ हो गया है। वेल है ये इपोमिया की। अब इसको बाकी ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है, आज हमें ये करनी ही है। मैं आपको और दिखा देता हूँ ये भी कितना बड़ा हो गया है। तो ये हम सब ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, इनको जितने हमारे पास अवेलेबल हैं उन सबको हम कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इनकी रिपोर्टिंग करना। तो इपोमिया जो है वो एक बेल है, तो बेल को हम जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो बड़े पेड़ में करते हैं, क्योंकि बेल की जो जड़ होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, और अगर हमको लगेगा बाद में कि नहीं ये ज़्यादा बड़ा हो गया है तो दूसरे बड़े प्लांट में हम इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। अभी के लिए 8 इंच का पॉट बहुत है, तो इसको हम ट्रांसप्लांट करना शुरू करते हैं सबसे पहले इपोमिया को ही। तो ये काम करेंगी मम्मी, एक के अंदर हम एक लगाएंगे। तो बात करूँ मैं इसके पॉटिंग मिक्सचर की, तो जो पॉटिंग मिक्सचर हमने बनाया है इसके अंदर वो 30% लिया हमने गार्डन सॉइल, नॉर्मल जो कोई भी सॉइल हम यूज करते हैं। 30% हमने इसके अंदर लिया है कोकोपीट, और 30% हमने लिया है इसके अंदर बर्मी कंपोस्ट। बाकी 10% में हमने रेत मिलाई है और थोड़ी सी हमने नीम खली मिलाई है। दोस्तों ये फूलों के पेड़ है तो फंगीसाइड मिलाना बिल्कुल ना भूलें। और अभी आप देखना कि हमने कैसे निकाल रहे हैं इसको, तो इसमें हमें ध्यान से निकालना है। और अगर आप हमारी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो हमने इसको 20-22 दिन पहले लगाया था, और ये कितना बड़ा हो गया है इस पॉट्स के अंदर। पहले छोटे पॉट्स में लगाना सही रहता है, इन सब से हमें बहुत एक्सपेक्टेशन है। ये फ्री के ही पेड़ मान लो आप इनको, 1 रुपये का एक पेड़ है ये, तो मतलब कितना सही है ये। गार्डनिंग यदि हमको करनी है बहुत सस्ते में, यदि गार्डनिंग करनी है तो आपको 20 से पेड़ लगाना आना चाहिए, आप तभी लगा सकते हैं। इसमें बहुत सुंदर फूल आएंगे। आज जितने हमारे पास पॉट्स हम लगा सकते हैं उतने लगा देंगे, बाकी जो नहीं लग पाएंगे उनको हम छोड़ देंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में हम वर्टिकल गार्डन की तैयारी करेंगे। ये वर्टिकल गार्डन के जो पॉट्स हैं इन पॉट्स को हम रिपोर्ट करेंगे इनके अंदर बिच्छू की बेल, क्योंकि बिच्छू की बेल हमको बहुत सस्ती पड़ेगी और शुरू के लिए सही है। और हमारे पास जाल भी रखा हुआ है। यदि आप हमारी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो अनार के पेड़ को हमने बंदरों से बचाने के लिए जाल मंगाया था, तो उसी में से हमारा थोड़ा सा जाल बच गया, तो उसी का हम टेम्परेली अभी जुगाड़ करेंगे। तो यदि आपको वीडियो देखनी हो तो हमसे जुड़े रहिए। तो इसके अंदर से हमने चारों पौधे निकाल लिए हैं, अब ये बड़े होने के लिए तैयार है। अब इनको जगह मिल जाएगी अच्छी खासी तैयार होने के लिए, तो अभी इनमें हम पानी दे देते हैं। ये दो जो छोटे हैं हमारे पास में, इनको हम छोटे पॉट्स में लगा देंगे और फिर बाद में देख लेंगे इनको कौन से पॉट्स में लगाना है। तो बड़े जो थे वो तो लगा दिए हमने बड़े पॉट्स में। दोस्तों एक चीज़ और, हमने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि 18 रुपये में प्लास्टिक के पॉट कैसे खरीदे, ये वाले। तो दोस्तों हम इनको 4 बार मंगा चुके थे 18 रुपये में, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है शायद गार्डनिंग का सीज़न आ गया है। तो गार्डनिंग के सीज़न में क्या होता है कि गार्डनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें महंगी हो जाती है, तो अभी ये पॉट्स महंगे हो गए हैं, तो आप इन पर नज़र बनाए रखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये वापस से सस्ते हो जाएंगे, तो आप तभी इनको खरीदिएगा। अभी थोड़ा रुकिए इनको ख़रीदने के लिए, लेकिन बहुत अच्छे हैं। यदि आपको ये 375 के 20 मिल जाते हैं तो आप इनको ज़रूर लेना। तो इपोमिया दोस्तों कंप्लीट हो गया है, अब हम इपोमिया को हटा देते हैं। अब ग्रॉम फेरेना की बारी आ गई है, तो ये ग्रॉम फेरेना की काफ़ी बड़े हो गए हैं। अब हम ग्रॉम फेरेना को लगाना स्टार्ट करते हैं, तो हम एक में दो दो तीन तीन लगा देते हैं अभी, तो क्योंकि ये ज़्यादा है तो पता नहीं कितने सर्वाइव इनके अंदर अभी करेंगे। तो ग्रॉम फेरेना भी अब कंप्लीट हो गया है। दोस्तों ज़्यादा पेड़ हो गए थे, तो हमने क्या किया कि कुछ में एक एक सिंगल भी लगाए हैं, कुछ में हमने ज़्यादा भी लगा दिए हैं। अभी ग्रोथ ले लेंगे पेड़, तब इनको हम दोबारा ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी देखते हैं कितने पेड़ इसमें ज़िंदा रहते हैं कितने मरते हैं। हमको तो बस 7-8 पेड़ चाहिए, ज़्यादा पेड़ हमको नहीं चाहिए इसके। तो दोस्तों ये है सेलोसिया क्रिस्टाटा, इसको हम शिफ्ट करते हैं। मुझे डाउट हो रहा है कि इसके अंदर ये कुछ और उग गया है, नहीं देंगे किसी एक के अंदर, देखते हैं क्या उगता है। खरपतवार तो मुझे नहीं लग रही है ये। तो दोस्तों जो 28वां दिन है उसके लिए आज रिपोर्टिंग बहुत हो चुकी है। हमने हमारे जितने भी ये
वर्टिकल गार्डन के पॉट्स थे और हमको लगा था जिनको हम कर सकते हैं चेंज, वो हमने सारे के सारे कर दिए हैं। कुछ पॉट्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे और कुछ पॉट्स हमने वहाँ रख दिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ये जो हमने पॉट शिफ्ट किए हैं अब इनकी हम ग्रोथ देखेंगे 4-5 रोज में कितनी होती है और कितने इनके अंदर पेड़ जिंदा बसते हैं। ये देखिए ये भी आज ही हमने शिफ्ट किए हैं। तो अगर मैं आपको नाम बताऊं इनके तो ग्रॉम फेरना है, सेलोसिया प्लूजमा है और एक हमारे पास में हमने इफोमिया किया था। तो 3 मेजर हमने इनको ट्रांसफ़र किए थे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि अभी तक आपने गार्डनिंग करना शुरू नहीं किया है तो आप आज से गार्डनिंग करना शुरू कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।